जय श्री राम। पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी राम मंदिर की अयोध्या में नींव। जय श्री राम के नारों से गूंज उठा देश। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं हूं सुनील बॉबी। आइए अब जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख दी है। पीएम मोदी ने मंदिर की नींव खोदने के लिए चांदी के फावड़े का इस्तेमाल किया। इस दौरान पीएम मोदी ने नींव की ईंट पर सीमेंट लगाने के लिए चांदी की कुन्नी का इस्तेमाल किया। रामलला को हरे और भगवा रंग के वस्त्र पहनाए गए। रामलला के वस्त्र मखमल के कपड़े से बने हैं। इन वस्त्रों पर 9 तरह के रत्नों को लगाया गया है। पीएम मोदी के भूमि पूजन करने के साथ ही पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इससे पहले रामलला के दर्शन किए और उनके चरणों में लेटकर शीश नवाया। इसके बाद पीएम ने पंडाल में बैठकर भूमि पूजन किया। इस दौरान सभी मौजूद पंडित भूमि पूजन के लिए मंत्र उच्चारण करते रहे। पीएम के साथ इस दौरान यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी बैठे थे। इधर बताते चले कि राम जन्मभूमि पहुंचने से पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर गए, जहां उन्होंने सीएम योगी नाथ के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में आरती की और परिक्रमा भी लगाई। पीएम मोदी ने इस दौरान माथा भी टेका और कुछ पैसे भी दान पेटी में डाले। पीएम मोदी करीब 10 मिनट तक मंदिर परिसर में रहे। इसके बाद पीएम मोदी राम जन्मभूमि के लिए रवाना हो गए। इधर बता दें कि पीएम मोदी सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली से वायुसेना के विमान से लखनऊ के लिए रवाना हुए थे। इसके बाद पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे और फिर पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से 11:30 पर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल भी रखा गया। इधर आइए श्री रामचंद्र को दिल से याद कर लेते हैं। बता दें कि भारतीय जनमानस में राम बहुत गहरे समाये आराध्य ही नहीं, हर रूप में सामने आने वाले आदर्श व्यक्ति भी हैं। वह जन जन के ऐसे प्रेरणा पुरुष हैं जिन्होंने कर्तव्य निर्वहन का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो भारत ही नहीं सारी दुनिया और समस्त मानवता के लिए अनुकरणीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने कर्तव्य पालन की जो सीख दी वह आज भी राह दिखाती है। इस सिख से यह राष्ट्र हर दिन हर क्षण प्रेरित होता है और इसी वह उनकी जन्मस्थली पर उनके नाम के मंदिर की स्थापना को लेकर आज पूरा देश पुलकित है। राम मंदिर निर्माण की सदियों पुरानी प्रतीक्षा पूरी हुई। त्रेता युग के श्री रामचंद्र की कलयुग में एक और विजय है। इसी के साथ विजय है धैर्य की, भरोसे की और आदर्शों पर चलते रहने वाले जिज्ञासिता की। चूंकि यह अधर्म पर धर्म की विजय भी है, इसलिए श्री रामचंद्र जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन जन जन को आनंदित करने वाला एक उत्सव सा दिखा। अयोध्या में राम के नाम का मंदिर बनना उनकी महिमा का गान है और देश की सांस्कृतिक चेतना को बल देने वाले प्रेरणा स्रोत का प्रकाशमान भी। यह अवसर भारतीयता के उद्घोष के साथ ही इस संकल्प का पुनर्पाठ भी है कि हम भारत के लोग राम की जय करते और उनकी गाथा गाते कर्तव्य पथ पर चलते रहेंगे बिना थके बिना रुके। आइए इधर चर्चा कर लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की भव्य बनने वाले दिव्य भव्य अनुपम और अलौकिक मंदिर पर। भव्यता मंदिर 360 फीट लंबा और 335 फीट चौड़ा होगा। ऊंचाई 161 फीट होगी। क्षेत्र पर 84,600 वर्ग फीट होगा। गर्भगृह रंग मंडप के बीच गुड मंडप भी होगा। दाएं बाएं अलग अलग कीर्तन व प्रार्थना मंडप होगा। इधर 9.5 किलो चांदी से निर्मित सिंहासन पर विराजमान होंगे रामलला। भाइयों के लिए भी रजत सिंहासन बनेगा। मंदिर में 3,00,000 टन लगेगा लाल बलुआ पत्थर। प्रस्तावित मंदिर के प्रथम तल के गर्भगृह में जहां रामलला की प्रतिमा स्थापित होगी, वहीं दूसरे तल के गर्भगृह में राम दरबार की स्थापना होनी है। किसी एक तल पर भगवान राम के किसी मार्मिक प्रसंग से जुड़ी प्रतिमाएं स्थापित होगी। मंदिर को नागर शैली में निर्मित किया जाएगा। इस शैली में देश के अन्य बड़े मंदिर तैयार किए गए हैं, खजुराहो सोमनाथ का मंदिर, लिंगराज का मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर आदि इसी शैली में बने हैं। इसमें शिखर की प्रधानता होती है। मंदिर में कुल 6 शिखर होंगे, एक मुख्य शिखर, 5 उप शिखर। मंदिर 3 तल का होगा। प्रत्येक तल पर
8 फीट व्यास वाले 106 स्तंभ होंगे। प्रथम तल के स्तंभ की ऊंचाई 15.5 फीट होगी, दूसरे तल की ऊंचाई 14.5 फीट होगी। 318 स्तंभ होंगे। ये स्तंभ 14.5 से 16 फीट तक ऊंचे और 8 फीट व्यास वाले होंगे। प्रत्येक स्तंभ यक्ष यक्षिकाओं की 16 मूर्तियों से सज्जित होगा। इधर यह भी बताते चले कि यह देश की सबसे ऊंची राम प्रतिमा होगी, कोडंड राम की प्रतिमा। कोडंड से आसे धनुष से है। मांझा बरहट पर यह स्थान 251 मीटर ऊंची भगवान राम की प्रतिमा यहीं लगेगी। 83 हेक्टेयर भूमि का चयन भगवान राम की प्रतिमा लगाने के लिए किया जा चुका है। बस इतना ही, चलते चलते एक बार हम लोग भगवान श्री रामचंद्र की जयकारा लगा लेते हैं। बोलिए कसकर जय श्री राम। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।